पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज की ज्वाइनिंग को लेकर आप सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं आपके जानकारी में बताना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी एक्टिव साथी हैं बोधराज जी और अश्विनी जी और पूरी इनकी टीम जो है, और हमारे साथ में राजेश बाली जी, दर्शन लाल जी, अमरीक सिंह शासन साहब, रिटायर्ड डीएसपी साहब यहां पर आज आए थे और आम आदमी पार्टी का यहां पर प्रोग्राम था जिसमें हमारे जो बोधराज जी हैं यहां पर, इन्होंने यहां ज्वाइनिंग का प्रोग्राम रखा था। और मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हर रोज़ आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि पिछले 70 सालों से जो हमारे यहाँ की जनता के साथ नाइंसाफी हुई है उससे लोग तंग आ चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में सबसे बड़ा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी के रूप में लोग देखते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को और बोधराज जी को और हमारे राजेश बाली साहब यहाँ पर जो इंचार्ज हैं, बाकी ये इन्होंने देखना जो मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह है, जो भी यहाँ पर इन लोगों की परेशानियाँ हैं, इन्होंने हमसे पहले भी कहा है, कुछ रोड के मसले, कुछ नालियों के मसले हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी माताएँ कोई ओल्ड एज पेंशन जिनको नहीं मिलती हो, हैंडीकैप्ड वगैरह, वो सभी फॉर्म वगैरह मैं इनसे कहा है कि आप फॉर्म भर दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि उनको पेंशन वगैरह दी जाए। और आम आदमी पार्टी की सिंपल पॉलिसी है, सीधी सीधी, जिस तरीके से बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में पैदा होती है और बाहर बेची जाती है और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिल बना के भेजी जाती है, जो हमारे गरीब लोगों के ऊपर सरासर जुल्म है, आम आदमी पार्टी का मंशूर है कि यहाँ के लोगों को बिजली फ्री मुहैया की जाएगी और बिजली के बिल जो है माफ़ किए जाएंगे। और हमारी जो 18 साल से ऊपर हमारी बहनें, हमारे माताएं, जो भी हमारी महिला शक्ति जो है, उनको हज़ार हज़ार रुपया का जो पंजाब में बाकी जगहों पर जैसे दिल्ली में हुआ, यहाँ भी होगा। स्कूलों को बेहतर से बेहतर करने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। और हमारा सबसे बड़ी अपील ये है जम्मू कश्मीर के हर एक युवा से, हर एक बुज़ुर्ग से, हर एक नौजवान साथी से कि वो आम आदमी पार्टी में आए और अपने जम्मू कश्मीर को बचाएं, क्योंकि इन हुक्मरानों ने हमारे जम्मू कश्मीर को, यहाँ के लोगों को बिल्कुल ज़मीनी सतह पर पहुँचा दिया है। और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, ये हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और यहाँ के लोगों को हर जो उनका राइट बनता है उनके घर तक पहुँचाने के लिए आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तत्पर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे नारायण जी मेरे प्यारे साथी और मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, जिस तरीके से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं सलूट करता हूँ ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का परचम लहराने में सक्षम है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, धन्यवाद।